लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन और उसका इंट्रो पढ़ा था, लेकिन लास्ट ईयर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें, जो इवेंट सेमेस्टर का, उसमें एक न्यूमेरिकल आया था आपका वैम मेथड का, और वो आया था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो वैसे छोटे छोटे जो शुरू में दो मेथड हैं NWCR और LCM, वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर टाइम मिलेगा तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन आज क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है तो हम आज उसको थोड़ा पहले बता रहे हैं। वैम मेथड हम पहले बता रहे हैं जिससे कि आपको अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, पहले तो हम उसके थोड़ा स्टेप देख लेते हैं कि हमको वो सॉल्व किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। हाँ अर्षद बताइए। अर्षद उमर आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो उसके हम स्टेप देखेंगे, उस स्टेप में क्या क्या होते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, इसके बाद फिर हम एक एग्जांपल लेंगे न्यूमेरिकल और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है वो देखते हैं। जो वैम मेथड है उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और जिसका वैम स्टैंड फॉर वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो दिस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस मेथड फॉर फाइंडिंग द इनिशियल सॉल्यूशन आर एज फॉलोज। उसके जो इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास जो कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। तो पहला स्टेप, फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट, नेमली द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड कॉलम। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, पेनल्टी कॉस्ट। पेनल्टी कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो रो में दो मिनिमम कॉस्ट हैं, एक तो हम रो वाइज देखेंगे और एक कॉलम वाइज देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक, ये देखिए बगल में एक निमेकल दिया हुआ है, पहली रो है O1 वाली, ठीक। यहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है 6, 4, 1 और 5, तो इसमें से जो दो सबसे मिनिमम कॉस्ट हैं यहाँ पर कौन से, 1 और 4, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है आपका पेनल्टी, ठीक। सिमिलरली आप कॉलम वाइज देखेंगे, यहाँ पर दिया है 6, 8 और 4, तो दो मिनिमम कॉस्ट कौन सी हैं, 6 और 4, उनका डिफरेंस 2, ठीक। तो ये हम निकाल लेते हैं पेनल्टी। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, पेनल्टी निकालनी है रो और कॉलम में, सभी रो और सभी कॉलम के लिए हम निकाल लेंगे, ठीक। नाउ अमंग द पेनल्टीज एज फाउंड इन स्टेप 1, जो हमने पहले स्टेप में पेनल्टी निकाली है उसका करना है चूज द मैक्सिमम पेनल्टी। रो और कॉलम में जो हमने पेनल्टी निकाली है उसमें से जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी, उसमें से जो मैक्सिमम पेनल्टी होगी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इफ दिस मैक्सिमम पेनल्टी इज मोर देन 1, दैट इज इफ देयर इज अ टाई केस। अब अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो मैक्सिमम पेनल्टी आई है वो 2, हाँ आपके पास 2 तो आप उनमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेलेक्ट कर लीजिए, आप उनमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। नाउ इन द सेलेक्टेड रो और कॉलम एज बाय स्टेप 2, जैसा कि हमने जो मैक्सिमम पेनल्टी वाला, चाहे रो हो या कॉलम, जो भी हमने सेलेक्ट किया, अगर कॉलम में मैक्सिमम पेनल्टी है तो वो वाला कॉलम
और अगर रो में पेनाल्टी है तो वो वाली रो जिसके सामने होगा। हमें क्या देखना है, फाइंड आउट द सेल हैविंग द लीस्ट कॉस्ट, उस रो या कॉलम में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन एलोकेट टू दिस सेल एज मच एज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट, और उस सेल में हम वो वैल्यू एलोकेट कर देंगे जितना हम पॉसिबल कर सकते हैं। इसके बेस पर हमारे पास डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हमेशा क्या कर, जो मिनिमम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम होगा उसको हम उस सेल पर एलोकेट कर देंगे। ठीक। नाउ देन डिलीट द रो और कॉलम विच इज फुली एग्जॉस्टेड। अब जिस रो या कॉलम जिसकी भी डिमांड या सप्लाई पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब कि अगर सप्लाई पूरी खत्म हो गई तो, और अगर डिमांड पूरी खत्म हो गई तो, उन दोनों में से जो भी एक होगा उस रो या कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, या हम उसको कह सकते हैं कि उसको क्रॉस कर देंगे या उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक। नाउ अगेन कंप्यूट द कॉलम एंड रो पेनल्टी, फिर इसके बाद अगेन फिर हम रो और कॉलम पेनल्टी को फाइंड करेंगे जैसा कि स्टेप हमने वन में किया था। किसमें से, जो बची हुई टेबल है, याद रखिएगा जो हमने एलिमिनेट कर दिया है या जिस रो या कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया है उस रो या कॉलम को फिर अगली बार के पेनल्टी कैलकुलेशन में हमें उसको नहीं लेना। ठीक। फिर हम जो बची हुई टेबल होगी उसमें से हम पेनल्टीज निकालेंगे एंड फिर क्या करेंगे, फिर वही मैक्सिमम पेनल्टी जो सेकंड स्टेप में किया था हम उसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर वही तीसरा स्टेप, मतलब कि फिर इसके बाद हमें वो प्रोसेस और स्टेप रिपीट करती रहनी है until all the rim requirements are satisfied, जब तक कि हमारी सभी सप्लाई और डिमांड की कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। Now, if the column is exhausted, then there is a change in row penalty and vice versa. अगर आपका कॉलम एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपकी रो पेनल्टी चेंज हो जाती है, रो पेनल्टी चेंज हो जाती है। एक सेकेंड, हेलो, 11 बजे अभी तो क्लास ले रहे हैं। ठीक। अब देखते हैं, ये तो हमारे स्टेप हो गए, ये हमारे स्टेप हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं एक इसका एग्जांपल सॉल्व। तो देखिए, नीचे दिया हुआ है, फाइंड द इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वैम। यहाँ पर क्या है, एक आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी है जिसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालना है वैम मेथड से। ठीक। ये आपके डेस्टिनेशन दिए हुए हैं कौन कौन से, D1, D2, D3, D4। ये आपके ओरिजिन दिए हुए हैं O1, O2, O3। ये आपके डिमांड दी हुई है, D1 की डिमांड है 200 की, D2 की डिमांड है 225 की, D3 की डिमांड है 275 की, D4 की डिमांड है 250 की, O1 की सप्लाई कैपेसिटी है 250 की, O2 की सप्लाई कैपेसिटी है 300 की, O3 की सप्लाई कैपेसिटी है 400 की। ठीक। तो ये आपकी सप्लाई हो गई और ये आपकी हो गया डिमांड, जो ये यहाँ पर बीच में दिया हुआ है 11, 13, 17 और 14, फिर 16, 18, 14, 10, 21, 24, 13 और 10। ये क्या है, ये है आपकी पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट दी हुई, ये आपकी पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट दी हुई। तो हम इस न्यूमेरिकल को एक्सेल शीट में लिख करके वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को एक्सेल शीट में लिख लिया है और हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक। तो सबसे पहला काम है हमारे पास AI equal to BJ की कंडीशन को चेक करना। ये क्या होता है, सप्लाई और डिमांड को बराबर चेक करना है कि है कि नहीं। ये हो गया आपका AI सप्लाई और BJ हो गया आपका डिमांड। तो देखिए, यहाँ पे 250 प्लस 300 कितना हो गया 550, प्लस 400 कितना 950 आ गया। यहाँ से देखिए,
200 प्लस 225 कितना हो गया 425, 425 प्लस 275 दैट इज 700, 700 प्लस 250 दैट इज 950। तो ये आपका आ गया, मतलब कि ए आई इक्वल टू बी जे की कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है। सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि नहीं। ठीक, आगे आते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इस ए आई बी जे को जरा हम यहाँ से अब हटा देते हैं। अब हम पेनाल्टी निकालेंगे रो वाइज और कॉलम वाइज। जो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है कि फाइंड द पेनाल्टी रो एंड कॉलम वाइज। कैसे, अब इस रो में देखना है, हमारे पास ये पहली रो है O1 वाली, इसमें से दो मिनिमम सबसे कॉस्ट, तो सबसे दो मिनिमम कॉस्ट है 11 एंड 13, 11 एंड 13, उनका डिफरेंस कितना 2, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस। ये जो P1 लिखा है हम मान लेते हैं कि ये पहली पेनाल्टी है, P1 का मतलब पेनाल्टी 1 फॉर रो 1। ठीक ठीक, अब ऐसे ही हम सारे रो के लिए पेनाल्टी निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए, दो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है 16, 18, 14 और 10 में कितना है 4। फिर तीसरे में देखिए, सबसे मिनिमम पेनाल्टी दो, सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 21, 24, 13 और 10 में से, तो 13 और 10 दोनों का डिफरेंस 3। ठीक, ये हमने निकाल लिया रो पेनाल्टी P1, P1 है रो पेनाल्टी तीनों रो के लिए। अब हम कॉलम वाइज देखते हैं, तो कॉलम वाइज देखिए, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम वाली जो दो कॉस्ट कौन सी है 11 और 16, दोनों का डिफरेंस 5। यहाँ पर देखिए, सबसे दो मिनिमम कॉस्ट है 13 और 18, दोनों का डिफरेंस 5। यहाँ पर सबसे दो मिनिमम कॉस्ट है 13 एंड 14, दोनों का डिफरेंस 1। यहाँ से देखिए, दो मिनिमम कॉस्ट है 10, 10 और 10 दोनों हैं, तो दोनों का डिफरेंस 0। ठीक, ये हमारे पास आ गई क्या, कॉलम पेनाल्टी। जो नीचे दिया हुआ है ये है कॉलम पेनाल्टी, और ये P1 यहाँ पर दिया हुआ है ये है आपकी रो पेनाल्टी। अब नेक्स्ट गो टू स्टेप सेकंड। अब हम स्टेप 2 में जा रहे हैं, क्या, अब हमें देखना है रो पेनाल्टी और कॉलम पेनाल्टी दोनों में से मैक्सिमम पेनाल्टी किस में है। देखिए 2, 4, 3, 5, 5, 1, 0, तो ये 5 मैक्सिमम है, दोनों में से ये 5 जो पेनाल्टी जो है मैक्सिमम है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि यहाँ पर आपको क्या है, दो पेनाल्टी टाई कर रहे हैं, दो पेनाल्टी एक जैसी है, एक है 5 और ये भी 5, एक D1 वाले कॉलम में आ रही है और एक D2 वाले कॉलम में आ रही है। तो अब हम इसमें से किसको सेलेक्ट करें, तो हमने बताया था आर्बिट्रेरी आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन आपको बता रहा था और इसमें बताया था, तो मैंने यही कहा था कि जिसमें आपको मिनिमम आप कर सकते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, एक 225 एक 200, तो 200 वाला आपका मिनिमम है। ठीक, तो अब हम इसका मतलब कि D1 वाले कॉलम को हम देख रहे हैं, हम D1 वाले कॉलम में एलोकेशन करेंगे। तो अब क्योंकि ये हमारी पेनाल्टी कॉलम में आई है ना, तो हम कॉलम वाइज इसको एलोकेशन देंगे। किसमें, अब इस कॉलम में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी, सबसे मिनिमम किसमें 11, 16 और 21 में, तो सबसे कम किसमें है 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 11 में जो है एलोकेशन दे देंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक ये बॉक्स इस तरह का कर लेता हूँ। कितना एलोकेशन दे सकते हैं, सप्लाई कितने की है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 250 की सप्लाई है, और डिमांड कितने की है 200 की, डिमांड है हमारे पास 200 की। तो हम यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का मिनिमम कितना 200, तो हम यहाँ पर 200 इसको एलोकेट कर देते हैं, क्योंकि साइज इसका छोटा है तो हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपने 200 को एलोकेशन कर दिया। ठीक,
अब जैसे ही हम एलोकेशन करेंगे तो इस D1 की जो डिमांड है, जो D1 जो है एग्जॉस्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम एक लाइन खींच करके इसको क्रॉस कर देते हैं, हम इसको क्रॉस कर देते हैं, आगे आते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास 250 था, यहाँ पर हमारे पास जो 250 था, O1 से 250 हमने दे दिया है D1 को, O1 से 250 हमने दे दिया है D1 को, 250 से हमने 200 दिया है, तो हम इसमें से माइनस का 200 कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 50 यूनिट अब ओवन के पास बचा, ओवन के पास अब कितना बचा, 50 यूनिट। ठीक, ये काम हमारा पूरे स्टेप यहाँ तक हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब अगेन हमको फिर स्टेप वन से रिपीट करने हैं, क्या पेनाल्टी निकाल लेते हैं, लेकिन जब अब हम पेनाल्टी निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है, जो कॉलम हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, फर्स्ट रो में जो बचे हुए जो मिनिमम कॉस्ट है वो कौन कौन से हैं, 13 और 14, 13 और 14 दोनों का डिफरेंस 1। सेकंड रो में जो दो मिनिमम कॉस्ट है 14 और 10, दोनों का डिफरेंस 4। थर्ड रो में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है 13 और 10, दोनों का डिफरेंस 3। अब जब हम यहाँ पर आएंगे, जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉलम है उसके नीचे हम डैश कर देंगे, उसके नीचे हम डैश कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर अब कोई भी काम नहीं है, इसकी जो डिमांड थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसकी डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इसको डैश कर देंगे। ठीक, इसको हम यहाँ पर ब्लैंक अभी छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर काम नहीं है। आप पेंसिल से एक यहाँ पर, ये पेंसिल जब बनाइएगा तो एक डैश कर दीजिएगा। इसके साथ ही एक चीज़ और, जब आप दूसरी टेबल, जब इसको दूसरा स्टेप करेंगे तो आप चाहें तो इसको यहाँ से ना लिख करके अब यहाँ से D2, D3, D4 से लिख सकते हैं, D2, D3, D4 से, क्योंकि हमारे पास जो D1 कॉलम है वो डिलीट हो चुका है, D1 कॉलम डिलीट हो चुका है। हम क्योंकि एक्सेल सीट पर कर रहे हैं तो हमें बार बार लिखने में प्रॉब्लम होगी और यहाँ वहाँ बार बार टाइम लगेगा, तो इस वजह से हम इसको एक ही टेबल पर कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसकी अलग अलग टेबल बना सकते हैं, जब आप बनाएंगे अगर अलग अलग टेबल करना चाहते हैं तो आपको ये वाला कॉलम हट जाएगा आपका, ठीक है ना। अब जब हम आएंगे तो यहाँ से हटा दिया हमने, यहाँ पर हमने डैश कर दिया, दूसरे में आते हैं, दूसरा कॉलम है हमारे पास, यहाँ पर दो फिर से हमें मिनिमम कॉस्ट देखनी है, हमारे पास है 13 और 18, दोनों का डिफरेंस 5। आगे यहाँ पर आते हैं, अगली जो कॉस्ट है 13 और 14, जो दो मिनिमम कॉस्ट है उनका डिफरेंस 1। थर्ड कॉलम में, लास्ट कॉलम में आते हैं, यहाँ पर जो दो मिनिमम कॉस्ट है 10 और 10, दोनों का डिफरेंस 0। अब ये देखें, अब हमारे पास जो बच्चा है उसमें से हमें देखना है कौन सा मैक्सिमम है। पेनाल्टी टू में रो वाइज 1, 4, 3, पेनाल्टी टू कॉलम वाइज 5, 1, 0, अगेन दिस 5 इज मैक्सिमम, ये 5 मैक्सिमम है, किसमें आ रहा है, D2 कॉलम में, हमारे पास ये D2 कॉलम में आ रहा है। अब D2 कॉलम में हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो कौन सी है, वो है ये 13, हमारे पास ये 13 है, तो हम क्या करेंगे, इस 13 में हम एलोकेशन करेंगे, हम इस 13 में एलोकेशन करेंगे, तो एलोकेशन कितना होगा, डिमांड और सप्लाई का मिनिमम, डिमांड और सप्लाई का मिनिमम। तो देखिए यहाँ पर डिमांड कितनी है, 225 की, 225 की, सप्लाई कितनी है यहाँ पर 50 की, यहाँ पर सप्लाई है 50 की, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50, क्योंकि 225 और 50 में मिनिमम कौन सा है, 50 का, तो हमने इसको यहाँ पर एलोकेट कर दिया। ठीक, अब जब हम इसको एलोकेट करेंगे तो हमारे पास डिमांड इसकी 225 में से कितनी फुल फुली हुई है, 50 की, तो हम यहाँ पर माइनस 50 कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 175,
175 ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। 225 में से हमने 50 दे दिया, ठीक है ना, हमने 50 दे दिया, तो हमारे पास 175 बचेगा। और जो पहली रो है उसकी सप्लाई कितनी थी, 50, ये पूरी की पूरी खत्म हो गई, ये पूरी खत्म हो गई। तो इसका मतलब कि अब हम इस रो को एलिमिनेट कर देंगे, अब हम इस रो को एलिमिनेट कर देंगे। ये मैंने इसमें एक लाइन खींच करके ऐसे, ठीक, ये हो गया हमारे पास एक कॉलम और एक रो एलिमिनेट हो गया हमारे पास। अब जब हम अगली टेबल बनाएंगे तो हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से D2, D3, D4 और यहाँ से O2, O3, बाकी सप्लाई और डिमांड सिलेंडर। तो ये जो है हम जो है इसके पास क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिख लेंगे 18, 14, 10, 24, 13, 10, ठीक, इतना हम कर लेते हैं, इतना लिख लेंगे। हमारे पास क्योंकि हम एक्सेल में कर रहे हैं तो हम अगेन फिर इसी टेबल पर कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर P3 निकालेंगे, जो पेनाल्टी निकालेंगे, तो अब हम इसमें फर्स्ट रो को कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो की जो सप्लाई थी वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, आप यहाँ पर डैश कर दीजिएगा। दूसरे में आते हैं, दूसरे में अगेन हमारे पास जो सबसे दो मिनिमम कॉस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, 14 और 10 की, दोनों का डिफरेंस 4, ठीक। अगेन यहाँ पर देखते हैं थर्ड रो में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है 13 और 10, दोनों का डिफरेंस 3, ठीक, ये हो गया। कॉलम वाइज आते हैं, पहला कॉलम तो हमारा ब्लैंक हो ही चुका है, दूसरे कॉलम में आते हैं, दूसरे कॉलम में पहली रो हमारे पास एलिमिनेट हो चुकी, तो पहली रो के अब कॉस्ट को हम या एलिमेंट को नहीं लेंगे। बाकी की जो दो बची हैं कौन सी, 18 और 14, दोनों ही है, दो ही मिनिमम, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 18 और 14 का डिफरेंस कितना है, 6, तो हम यहाँ पर 6 ले लेते हैं, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ पर दो मिनिमम कॉस्ट हैं 13 और 14, दोनों का डिफरेंस 1, यहाँ पर दो मिनिमम कॉस्ट हैं कॉलम लास्ट कॉलम में 10 और 10, दोनों का डिफरेंस 0, ठीक, ये हो गया हमारे पास कॉलम वाइज, हमारे पास कॉलम वाइज पेनाल्टी आ गई। और हमारे पास रो वाइज पेनाल्टी आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, अगेन इसमें जो रो वाइज पेनाल्टी है और जो कॉलम वाइज पेनाल्टी है उसमें से हमें उसको मैक्सिमम को चेक करना है। तो मैक्सिमम पेनाल्टी हमारे पास किस में है, इसमें 6 वाले में, हमारे पास ये 6 वाला मैक्सिमम पेनाल्टी है। अब हम 6 वाला किस में आ रहा है, D2 कॉलम में, जो 6 पेनाल्टी मैक्सिमम पेनाल्टी आ रही है वो D2 कॉलम में आ रही है, और इस D2 कॉलम में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो 18 वाले में, वो जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो 18 वाले में आ रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 18 वाले में एलोकेशन कर देंगे, ठीक, कितना 175 का। अब यहाँ पर कितना एलोकेशन करेंगे, 175 का, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखिए इसकी रिक्वायरमेंट है 175 की और इसकी सप्लाई है 300 की, तो दोनों का मिनिमम होगा 175 और 300 का मिनिमम 175, तो हमने 175 को यहाँ पर एलोकेट कर दिया, ठीक। इसका मतलब कि अब हमारी जो D2 कॉलम है उसकी डिमांड एग्जॉस्ट हो गई है, हमारी जो D2 कॉलम है उसकी डिमांड एग्जॉस्ट हो गई, तो हम उसको कर रहे हैं कैंसिल, हमने उसको कैंसिल कर दिया, और इस लाइन को हम थोड़ा सा और नीचे खींचे, ठीक, हमने ये कैंसिल कर दिया। अब जो हमने D2 को प्रोडक्ट दिया था वो कहाँ से दिया था, O2 से, कहाँ से, 300 वाले से। जब हम 300 वाले से देंगे तो 300 था इसके पास,
अब इसके पास 300 में से इसने दे दिया है 175, इसने माइनस का इसको 175 कर दीजिए, तो बचेगा कितना हमारे पास 125। फुटू के पास बचेगा 125, ठीक, इतना हमारे पास बच गया। अब क्या करना है, अगेन हमको रो वाइज पेनाल्टी और कॉलम वाइज पेनाल्टी निकालनी है। तो पहली रो एग्जॉस्ट हो चुकी है हमारे पास, तो हम उसका उसने डैश करके छोड़ देंगे। सेकंड रो में आते हैं, दो पेनाल्टी कौन कौन सी हैं, 14 और 10, दोनों मिनिमम है, दोनों का डिफरेंस 4। थर्ड में आइए, दो पेनाल्टी मिनिमम कौन सी हैं, 13 और 10, दोनों का डिफरेंस 3। ठीक, यहाँ से अब आते हैं, पहला कॉलम कुछ नहीं खत्म, दूसरा कॉलम एग्जॉस्ट हो चुका, ये भी खत्म। तीसरे में देखिए, यहाँ पर आपका 13 और 14 है, यहाँ पर आपका 13 और 14 है, दोनों का डिफरेंस 1। लास्ट में आते हैं, लास्ट में है दो मिनिमम कॉस्ट है, 10 और 10, दोनों का डिफरेंस 0। ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हमारे पास रो पेनाल्टी है 4 और 3, कॉलम पेनाल्टी है 1 और 0। ठीक, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये 4 वाला मैक्सिमम, ये 4 वाला, ये पेनाल्टी हमारे पास मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 के सामने जो रो है, ये वाली रो है, इसमें जो मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, ये 10 है, ये मिनिमम कॉस्ट हमारे पास 10 है। तो इसका मतलब कि अब हम इसमें एलोकेशन करेंगे, इसमें एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन कितना होगा, मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड कितनी है इसकी, 250 की डिमांड है, 250, एंड सप्लाई इज 125। तो मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दैट इज 125। तो मतलब कि हम इसमें 125 का एलोकेशन करेंगे, तो हम यहाँ पर 125 कर देते हैं, 125। देखिए अब मैंने इसमें एलोकेशन कर दिया 125 का। ठीक, जैसे ही हमने 125 का एलोकेशन किया, तो इस जो सेकंड रो थी, इसकी पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई, इसकी पूरी सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे रो को हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने इस पूरी रो को एलिमिनेट कर दिया। अब रो तो एलिमिनेट हो गई, लेकिन इस D4 मार्केट की 125 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। रिक्वायरमेंट इसकी कितनी थी, टोटल 250 की, 250 में से इसको 125 मिला है, तो बचा कितना है, माइनस का 125 इक्वल टू 125, 250 में से 125 मिला, 125 अभी बाकी। ठीक, ये चीज है। अब अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं रो और कॉलम वाइज पेनाल्टी, रो और कॉलम वाइज पेनाल्टी। तो देखिए, अब अगर हम चाहें, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, तो यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रोसेस से कर रहे हैं, तो हम पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कॉमन सेंस से कैसे, यहाँ पर देखिए कि जब कॉलम वाइज लेंगे, तो ये और ये केवल यही दो बचे हैं। अब इनके सामने सामने जो रिक्वायरमेंट है, आप वो पूरी की पूरी एलोकेट कर सकते हैं। जैसे इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 125 की, ये आ जाएगा 400 और 125 का मिनिमम, यहाँ जाएगा 125, इसका बचेगा 275, और 275 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये कॉमन सेंस आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस में करेंगे। तो प्रोसेस में देखिए, पहली रो हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, दूसरी रो भी हमारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तीसरी रो में अगेन हम दो मिनिमम कॉस्ट देखेंगे, जो दो मिनिमम कॉस्ट हमारे पास 13 और 10, दोनों का डिफरेंस 3। कॉलम वाइज देखते हैं, जो कॉलम वाइज है, फर्स्ट कॉलम हमारे पास एग्जॉस्ट हो चुका है, कोई पेनाल्टी नहीं। D2 सेकेंड कॉलम देखते हैं, इसका भी एग्जॉस्ट हो चुका है, कोई पेनाल्टी नहीं। D3, अब D3 में हमारे पास केवल एक पेनाल्टी, D3 में हमारे पास केवल एक पेनाल्टी है, दैट इज 13। तो हम इसको 30 जो कहते हो यहाँ पर लिख देते हैं। अगली बार यहाँ पर हमारे पास एक पेनाल्टी है 10, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 10। अब देखिए 3, 13 और 10, रो वाइज जो पेनाल्टी है वो है 3, और जो कॉलम वाइज पेनाल्टी है 13 और 10, इन सब में से मैक्सिमम कौन है, 13।
इस 13 में से अब हमें इस किसमें आया है, D3 कॉलम में। इस D3 कॉलम में हमें देखना है सबसे मिनिमम कॉस्ट, सबसे मिनिमम कॉस्ट, तो केवल एक ही बचा है 13, हम उसी को एलोकेशन कर देंगे। कितना? मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो सप्लाई और डिमांड है उसका मिनिमम। ठीक, तो 275 इसकी डिमांड है और 400 की सप्लाई है, तो दोनों में मिनिमम कौन है? 275। तो हम यहाँ पर इसको 275 एलोकेट कर देंगे। तो लेट्स, मैंने यहाँ पर ये 275 इसको एलोकेट ये कर दिया। ठीक, अब सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ D3 हैज बीन फुलफिल्ड, सो वी विल प्रॉफिट। अब क्योंकि हमारे पास जो D3 है उसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो मैंने इसको यहाँ से लेकर के एक लाइन खींची और ये इसको मैंने ये क्रॉस कर लिया। ठीक, अब जो ये 275 मिला है कहाँ से मिला? इसको O3 से, O3 से मिला है। तो 400 इसकी टोटल कैपेसिटी थी, 400 में से इसको 275 आप लेस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 125 बचेगा। अब देखिए, आप चाहें कि यहाँ पर फिर अगेन केवल एक ही बचा है, आप 125 एलोकेशन करके आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम अगेन पेनल्टी निकाल रहे हैं, प्रोसेस से कर रहे हैं। तो हमारे पास पहली रो एग्जॉस्टेड, नो पेनल्टी, दूसरी रो एग्जॉस्टेड, नो पेनल्टी, तीसरी रो कितना, केवल एक एलिमेंट, 10। ठीक, हमने यहाँ पर लास्ट पेनल्टी ये लिख दिया। सिमिलरली इसी तरह से अब हम कॉलम वाइज पेनल्टी निकालेंगे, हम कॉलम वाइज पेनल्टी भी निकालेंगे। तो हमारे पास देखिए, फर्स्ट कॉलम एग्जॉस्टेड नो पेनल्टी, सेकंड कॉलम एग्जॉस्टेड नो पेनल्टी, थर्ड कॉलम एग्जॉस्टेड नो पेनल्टी, फोर्थ में केवल एक ही कॉस्ट बची है 10, तो हम उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोनों में देखिए, 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, वही एक ही बचा है, मैक्सिमम चार मिनिमम आता जो समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया है वो हम यहाँ पर एलोकेशन करेंगे किसमें, D4 में। तो D4 में कितना हम दे सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है कितनी, 125 की, सप्लाई कितनी है, 125 की, तो दोनों मतलब की बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 125 इसको हम एलोकेट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा 125 हम यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं, 125। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये रो और कॉलम की भी डिमांड पूरी हो गई, तो हम इस थर्ड रो को भी क्रॉस कर देते हैं। तो मैंने ये थर्ड रो क्रॉस किया, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उसको करें, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल तो यहाँ से एलोकेशन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको यहीं से सीधा कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन हम चूंकि प्रोसेस से कर रहे हैं तो हम सारा उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम इसको यहाँ से लेकर के और नीचे तक हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास आ गए। अब देखिए, तो हमारे पास सारी रो और सारे कॉलम हमारे पास एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, हमारे पास सारी रो और सारे कॉलम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक, उससे पहले हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, m प्लस n माइनस 1 की। हमारे पास m प्लस n माइनस 1 मतलब कि क्या ये प्रॉब्लम हमारी डीजेनरेसी की है या नहीं, मतलब ये हमारी नॉन डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है या डीजेनरेसी की प्रॉब्लम है। तो हमारे पास m प्लस n कितना, m है हमारे पास नंबर ऑफ रो 3 प्लस n नंबर ऑफ कॉलम 4 माइनस 1 इक्वल टू 6, हमारे पास ये आना चाहिए। मतलब कि हमारे पास एलोकेशन कितने होने चाहिए, हमारे पास एलोकेशन होने चाहिए 6। तो देखिए हमारे पास कितने एलोकेशन आ रहे हैं, पहला एलोकेशन है आपका O1 D1 में पहला, दूसरा एलोकेशन आ रहा है आपका O1 D2 में, ठीक, तीसरा एलोकेशन आपका आ रहा है O2 D2 में,
चौथा एलोकेशन आपका आ रहा है ओ टू डी फोर में, ठीक। पांचवा एलोकेशन आपका आ रहा है ओ थ्री डी थ्री में, और छठवां एलोकेशन आ रहा है आपका ओ थ्री डी फोर में। कितने? छह एलोकेशन है, और आपके एम प्लस एन माइनस वन की वैल्यू भी छह है। तो इसका मतलब कि दिस प्रॉब्लम इज नॉन डिजनरेसी, नॉन डिजनरेसी की प्रॉब्लम है, ठीक। हमने ये निकाल लिया, अब हमें निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है और जितनी यूनिट्स को हमने शिफ्ट किया है, मतलब कि एलोकेट किया है, या हमने जितने यूनिट का माल ट्रांसपोर्ट किया है उनका हम मल्टीप्लाई कर दें और उन सबको सम कर दें तो हमारे पास वो आ जाएगा। तो देखिए, हमने ओ वन से डी वन को कितना दिया है, 200। एक यूनिट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, 11 की। तो 200 की 200 इंटू 11, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 200 इंटू 11, ठीक। पहला, दूसरे में देखिए, दूसरे में आ रहा है आपने जो प्रोडक्ट सप्लाई किया है ओ वन से डी टू को, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 13 की। कितनी यूनिट दी है, 50। तो हमने यहाँ पर ये देखिए, एक यूनिट की 13 है तो 50 यूनिट की, 50 इंटू 13, ये रहा आपका, ठीक। अगेन फिर हमने किसको दिया है, डी टू को, किस फैक्ट्री से, ओ टू से, ओ टू से हमने डी टू को दिया है कितना, 175 यूनिट। पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट कितनी है, 18 की। तो 175 की 175 इंटू 18, तो हम यहां से क्या करेंगे, 175 इंटू 18 आपका देखिए ये रहा। आगे फिर हमने किसको माल सप्लाई किया है, वो हमने किया ओ टू से डी फोर को, ओ टू से डी फोर को। तो देखिए यहाँ पर एक यूनिट की शिपिंग कॉस्ट कितनी, 10 है, हमने कितनी कॉस्ट की है, 125। तो 125 इंटू 10, ये आपका रहा 125 इंटू 10। फिर हमने और किसको सप्लाई की है, ओ थ्री से डी थ्री को, कितनी यूनिट, 275, पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट 13। तो हमने क्या किया, टोटल 275 डी थ्री वाली कितनी आएगी, 275 इंटू 13, तो ये रही आपकी 275 इंटू 13। अगला हमने किसको दिया है, डी फोर को, किस फैक्ट्री से दिया, ओ थ्री से, शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट 10, कितनी यूनिट शिपिंग, 125। तो कॉस्ट कितनी आई, 125 इंटू 10, ये रही आपकी 125 इंटू 10। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आ गई इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमें इस सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर लेते हैं कंट्रोल वी, और इसमें हम एक अप्लाई कर देते हैं फार्मूला, यहाँ पर इक्वल टू लगा दें। तो हमारे पास एक्सेल में क्या होता है ना कि फार्मूला अप्लाई हो जाता है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके और इसको एंटर कर देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो आ जाएगा। तो देखिए अब मैं एंटर कर रहा हूँ, कितना आया, 12,075। ये हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया है, मतलब कि अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया है, जिसकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है 12,075, ठीक। और ये नॉन डिजेंडेसी की प्रॉब्लम है। अब इसको जरा हम आंसर चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास केमिकल था एग्जाम्पल, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वैम। अब ये देखिए, हमने इसको नीचे सॉल्व किया इन्होंने, और इसको सॉल्व करते करते देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया था, जैसे जैसे अगली टेबल्स बनी हैं ये डिलीट करते चले गए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने डी वन डिलीट किया था, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर डी वन डिलीट कर दिया। फिर हमारे यहाँ से ओ वन डिलीट हुआ था, तो देखिए यहाँ से ओ वन डिलीट हो गया। फिर यहाँ से देखिए डी टू डिलीट हुआ था, तो ये डी टू डिलीट हो गया। फिर यहाँ से देखिए इनका ओ टू डिलीट हो गया था, तो ये ओ टू डिलीट हो गया। फिर लास्ट में आपका देखिए यहाँ आपका डी थ्री डिलीट हो गया, तो ये डी थ्री भी डिलीट हो गया।
इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं, मतलब कि अपनी टेबल को रिड्यूस करके भी आप चाहें तो जहां जहां आपके जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं रो या कॉलम, आप उनको डिलीट करके भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, आपको अच्छे से आता हो, तो आप एक टेबल में भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से आइए, ये देखिए प्रॉपर एलोकेशन हमारे पास ये आए थे 200 इंटू 11, 15 इंटू 13, 175 इंटू 18, 125 इंटू 10, 275 इंटू 13 और 125 इंटू 10। ठीक, तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पर देयर आर सिक्स पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एलोकेशन विच इक्वल्स टू एम प्लस एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 3 + 4 - 1। सो दिस इंश्योर दैट द सॉल्यूशन इज अ नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। ये एक नॉन डिजेनरेसी की प्रॉब्लम है। दैटफोर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई है 12,075, 12,075 रुपये, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। तो ये आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का वैम मेथड, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वैम मेथड पूरा सॉल्व हो गया है। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नाउ इफ समवन हैज प्रॉब्लम रिलेटेड टू वैम प्रॉब्लम, वैम मेथड, सो यू कैन नाउ आस्क।